नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टेक एंड ट्रिक्स पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार ने आधार सबके लिए जरूरी कर दिया है। आपको DL बनवाना हो या बैंक खाता खुलवाना हो, सब जगह आधार लगाना जरूरी है। अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो भी आधार होना चाहिए। आप समझ सकते हैं आधार कितना जरूरी है। अगर आपके पास आधार है तो आप 2 मिनट में ऑनलाइन पैन कार्ड बनवा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पैन कार्ड बनाना नहीं बता रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ पैन कार्ड की PDF फाइल ओपन नहीं हो रही है तो क्या करें। क्या आपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पर ध्यान दिया है? किसी किसी आधार में सिर्फ बर्थ ईयर दिया होता है। ऐसे आधार से जब आप ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाते हैं तो पैन कार्ड तो बन जाता है और डाउनलोड भी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब आप PDF को ओपन करते हैं। पैन कार्ड की PDF फाइल का पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ ही होता है। आपको बता दें, अगर आपके आधार में भी सिर्फ बर्थ ईयर है और आपने आधार बनवा लिया है या बनवाने की सोच रहे हैं तो पैन कार्ड की PDF फाइल ओपन करने में आपको भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपके आधार में बर्थ ईयर 1988 है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1 जनवरी 1988 और आपका पासवर्ड होगा 01011988। अगर आपके आधार पर पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी है जैसे 3 जुलाई 1988 तो आपका पासवर्ड होगा 03071988। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पैन कार्ड की PDF फाइल को ओपन कैसे करें, लेकिन मैं आपको फाइल ओपन करके भी दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको फाइल ओपन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे पास 2 पैन कार्ड की PDF फाइल हैं। एक आधार में सिर्फ बर्थ ईयर दिया हुआ था और उससे पैन कार्ड बनाया गया है, जबकि दूसरे आधार में पूरी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, उससे भी पैन कार्ड बनाया गया है। तो चलिए फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम उस फाइल को ओपन करेंगे जिसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है 7 मार्च। तो आप देख सकते हैं 7, आपको कैसे लिखना है, 0 लगाना है पहले, फिर 7 लिखना है। उसके बाद में मार्च में भी आपको 0 लगाना है, फिर 3 लिखना है। उसके बाद में आपको ईयर लिखना है, ईयर आपको पूरा लिखना है, आपको इसमें कोई शॉर्ट में नहीं लिखना है। जैसे 1958 है तो आपको 1958 ही यहाँ पे लिखना होगा। देख सकते हैं जो डेट ऑफ बर्थ वही हमारा पासवर्ड है, तो हम इस पर ओके पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो फाइल है वो ओपन हो गई है और आप ये भी देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ हमने वहां पे दी थी वही पासवर्ड था हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है। तो आप देख सकते हैं जो हमने वहां पे पासवर्ड दिया वही हमारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में भी वही लिखा हुआ है। चलिए अब दूसरी फाइल को ओपन करते हैं जिसमें सिर्फ बर्थ ईयर दिया हुआ था। ये जो पैन कार्ड बना है इसमें जो आधार पर सिर्फ बर्थ ईयर दिया होता, तो इससे ओपन करने में, इस फाइल को ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर हम सिर्फ ईयर डालते हैं तब भी फाइल ओपन नहीं हो रही है, अगर ओरिजिनल वाली डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तब भी फाइल ओपन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको 1 जनवरी डाल देना है, 01 01 981 और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये फाइल भी यहाँ पर ओपन हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें जो आधार, जिस आधार से ये बना उसमें सिर्फ बर्थ ईयर दिया हुआ था, लेकिन जब हमने इसमें 1 जनवरी डाल दिया तब ये फाइल ओपन हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी PDF फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।